जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं भारतीय डाक में वैकेंसी आ गई है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी। पूरी वीडियो को देखिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको तमाम वैकेंसी से संबंधित सूचना भी मिलती रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जी डी एस, जी का मतलब ग्रामीण, डी का मतलब डाक, एस का मतलब सर्विस। ध्यान दीजिए, ग्रामीण डाक सर्विस। तो डाक विभाग आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस आप जानते हैं। तो इसमें जो भर्ती आई है 30,041 पदों के लिए, ध्यान दीजिएगा 30,041 पद, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। इसमें कहा गया है पोस्ट जो अपडेट होगी 3 अगस्त 2023 से पोस्ट अपडेट हो जाएगी, आवेदन मांगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो एप्लीकेशन लगेगा जर्नल और ओबीसी के लिए, जर्नल और ओबीसी के लिए जो लगेगा 100 रुपया, एससी एसटी पीएच के लिए 0 रुपया, मतलब फ्री में आवेदन कर पाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें बताया गया है एप्लीकेशन 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट होगा जो 23 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट डेट होगा 23 अगस्त 2023। और इसमें जो योग्यता, जो मिनिमम आयु मांगी गई है 18 साल, ध्यान दीजिएगा आयु जो मांगी गई है 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम, 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम आयु मांगी गई है। अगर इसमें, अगर आपने इसकी जो, इसमें जो योग्यता है, योग्यता जो मांगी गई है 10वीं पास, समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो 10वीं वाले होंगे, इसमें बताया गया है मैथ के साथ होना चाहिए, 10वीं पास जो होना चाहिए मैथ के साथ होना चाहिए, और उसको इंग्लिश के साथ होना चाहिए, और उसको लोकल भाषा आती हो। लोकल भाषा का मतलब, जैसे हम रहते हैं, हमारे यहाँ अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है, हिंदी भी बोली जाती है और अवधी भाषा भी बोली जाती है। तो कोई बिहार में रहता होगा, बिहारी बोला जाता होगा, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, पढ़ करके बता देता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकल लैंग्वेज हिंदी मानी जाएगी, मतलब मैंने अवधी भले बोला लेकिन लोकल लैंग्वेज हिंदी मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, जम्मू में हिंदी या उर्दू दोनों में से एक, और केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी आती हो, नॉर्थ ईस्ट में बंगाली हिंदी, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है, तो तमिल में तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में 3,084 वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा 3,084, उत्तराखंड में 519, बिहार में 2300 और छत्तीसगढ़ में 721, दिल्ली में है 22 पद, राजस्थान 2031, हरियाणा में 216, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 418, जम्मू कश्मीर में 300, झारखंड में 530, मध्य प्रदेश में 1565, केरला में 1508, पंजाब में 336, महाराष्ट्र में 3154, नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है जहां बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, ठीक है, 500, उड़ीसा में 1279 उड़िया बोला जाता है, कर्नाटक में 1714, तमिलनाडु में 2994, तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है 861, आसाम में आसामी बोला जाता है, बंगाली भी बोला जाता है, बंगला भी बोला जाता है 855, गुजरात में गुजराती 1850, वेस्ट बंगाल में बंगाली और हिंदी, नेपाली सब बोला जाता है 2127, आंध्र प्रदेश में 1058। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर, ठीक है, आवेदन मांगा गया है और आवेदन जो शुरू होगा, याद रखना 23 अगस्त लास्ट डेट है, और शुरुआत कब होगा 3 अगस्त 2023 से। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें।